जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाला हम लोग केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनी कैसी है, साथ में यदि किसी व्यक्ति का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो उसे आगे क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है ताकि उसे इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सके। मुझे पता है कि बहुत से लोग जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक शायद ये स्टॉक मतलब माइनस में दिख रहा होगा, लॉस में दिख रहा होगा, तो उसको पॉजिटिव में कैसे लाना है और कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करके कैसे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी बढ़िया है। मैं आपको इसमें डिटेल्स पूरा दूंगा, इस स्टॉक का समझ में आएगा आपको कि इसमें रियल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंपनी के काम से। कंपनी काम क्या करती है, देखिए कंपनी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कई प्रकार की कंस्ट्रक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराती है, जैसे कंपनी सड़क, नहर, बांध निर्माण और बांध निर्माण के अलावा कई तरह के विकास काम में भी कामकाज करती हुई नजर आती है। साथ में कंपनी एडवाइजरी सर्विस भी आपको प्रोवाइड करती है। कामकाज काफी बढ़िया है गाइस। इस तरह के काम करने वाली कंपनी जो खासकर जो देश की बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत करने में अपना योगदान दे रही है, और ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, खासकर एक छोटी सी कंपनी, उस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। 1.67 रुपए के आसपास शेयर प्राइस है। यहाँ पे देखें आप तो तकरीबन आज 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। इस गिरावट के पीछे की वजह को भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अब जैसे अभी तक हम लोगों ने कंपनी के वर्क को समझा, कंपनी वर्क क्या करती है, वर्क बढ़िया है, वर्क के बेसिस पे हमें डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल भी देखना जरूरी है। तकरीबन 28 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, छोटी कंपनी है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी शेयर प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। सबसे कमाल है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ठीक ठाक इसमें रिटर्न जनरेट करके ये कंपनी दे सकती है। साल भर में आपके इन्वेस्टमेंट पर कमाई का मौका मिलेगा। अब सीधे आते हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और एक साल के चार्ट पर हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में था। कंसोलिडेशन रेंज से कहें कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर निकलते हुए दिखा है यहाँ पे, यानी कि ये संकेत देता है कि अब जाके स्टॉक का प्राइस इस रेंज बाउंड से जो जैसे ये 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए के बीच में जो स्टॉक फंसा हुआ है इससे बाहर निकल सकता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस अपने सपोर्ट से ऊपर उठने लगा है। सपोर्ट से ऊपर उठ के अब पहले क्या हो रहा था, प्राइस देखे यहाँ पे एकदम अपने सपोर्ट के पास था, लेकिन अब प्राइस सपोर्ट से ऊपर उठ के यहाँ रेजिस्टेंस के पास जाने लगा है। और हम सभी जानते हैं कंसोलिडेशन से जब भी प्राइस बाहर निकलता है तो प्राइस जाता है ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो अब ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकलेगा तो सबसे पहले 3.5 रुपए, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका हाई था, और 3.5 रुपए पर आकर थोड़ा समय बिताएगा, और यहाँ समय बिता के जब ऊपर निकलेगा 3.5 रुपए के ऊपर तो लगभग इसके डबल, 3.5 रुपए का डबल कहने मतलब 7-8 रुपए तक इजिली आपको जाते हुए, मतलब 7 से 8 रुपए तक बहुत कम समय में आपको ये प्राइस जाएगा इस कंपनी का, और यहाँ तक कर लिए आप जा सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो यदि नया भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए 2 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, चाहे मान लीजिए यदि किसी ने टॉप पे बाय किया है तो फिर वो भी यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं 2 रुपए से ऊपर निकलने पर। बाकी नया इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल मत कीजिएगा जब तक प्राइस 2 रुपए के ऊपर ना निकले। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब कुछ और चीजों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब आप इस कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के जो सेल्स हैं पिछले 2 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब कंपनी के Q2 के नंबर आने वाले हैं, मैं BSE इंडिया की वेबसाइट पे आपको दिखाऊंगा। इस Q2 के नंबर में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आएंगे वो ठीक आएंगे, कंपनी का सेल्स उसमें बढ़ते हुए दिखेगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए Q1 का जो रिजल्ट आया था, यहाँ पे देखेंगे ये जो मार्च Q रिजल्ट है इससे ज़्यादा हुआ था। तो अब क्या है कि जो Q2 का नंबर आएगा वो उम्मीद ये है कि ये जो जून Q रिजल्ट आया था इससे भी ज़्यादा आएगा, यानी कि 1.79 करोड़ से ज़्यादा आएगा। जब सेल्स ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो यूनिट प्रॉफिट है, हालांकि पहले लॉस में था इससे कंपनी ने प्रॉफिट में आ गई है, तो ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा होगा। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। तो Q2 का नंबर आने का आपको वेट करना है। प्लस यहाँ पर आपको यह भी देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज है नहीं, क्योंकि कर्ज यहाँ पर सिर्फ 4 करोड़ के आसपास है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व पैसा देखेंगे 16 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी जब चाहे अपने डेब्ट को इजीली चुका सकती है। और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के पास तो डेब्ट होता ही है इनके पास, तो इससे घबराना नहीं है। इसमें जब आप देखते हैं इन्वेस्टर्स की मात्रा तकरीबन 23% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं, यह भी बहुत बढ़िया बात है। और पिछले कुछ समय में यहाँ पे देखेंगे तो इन्वेस्टर्स की मात्रा मतलब जो कंपनी के मेन प्रमोटर्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ी हुई है, तो यह भी ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट की जिस कंपनी में हिस्सेदारी हो अगर छोटे स्टॉक्स में तो उसमें हमारा भरोसा और बढ़ जाता है। तो फिर इस सब पॉइंट को भी देखते हुए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आपका पहले से इसमें आपने स्टेक ले रखा है तो उसे आपको होल्ड करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए।
अभी बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पे हम लोग आए हुए हैं। बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पे देखने को मिले केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एएसएम स्टेज वन में है। हालांकि स्टेज वन की कैटेगरी में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे जब आप आते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको क्वार्टर टू के नंबर आने की उम्मीद है। जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है तो उसका सीधा सा मतलब होता है क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, और अभी कंपनी में क्वार्टर टू के नंबर आने वाले हैं, तो इस कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आएंगे। उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे और इसी क्वार्टर टू के नंबर का इंतजार है। क्वार्टर टू के नंबर एक बार आ जाने दीजिए, शेयर प्राइस में आपको बूम आते हुए दिखेगा, रॉकेट बनेगा प्राइस, और फिर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी फिलहाल इस वीडियो में मैंने केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में जो जानकारी आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है मन में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।